वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू सेलीज़ किचन। सेलीज़ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी टमाटर और डेट्स की मीठी चटनी। फ्रेंड्स, ये चटनी बहुत ही यमी होता है और आप इसे बनाकर काफ़ी दिनों तक स्टोर करके भी रख सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं टमाटर खजूर की मीठी चटनी। टमाटर डेट्स की मीठी चटनी बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए, चलिए फ्रेंड्स हम एक बार देख लेते हैं। टमाटर, 5 बड़े साइज का टमाटर लें और आप उसे इस तरह से स्लाइस में काट लें। पचफोड़न 1 टेबलस्पून, 2 सूखे लाल मिर्च, अदरक जिंजर ग्रेट किया हुआ 2 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, किशमिश 3 से 4 टेबलस्पून, नमक आप अपने स्वाद अनुसार, खजूर आप यहाँ देख रहे हो फ्रेंड्स डेट्स, ये आप 15 से 20 डेट्स ले लें, गुड़ यहाँ मैं डालूंगी चटनी में, ये आप अपने स्वाद अनुसार ले लें, और फ्रेंड्स ये है अमावट, आम पापड़ भी कहते हैं इसे, ये हम 100 ग्राम अमावट लेकर और इसे हम इस तरह से छोटे छोटे ब्लॉक्स में काट लिए हैं, और रिफाइंड ऑयल। बनाने के लिए सबसे पहले आप एक पैन या कढ़ाई ले लें और इसमें आप 1 टीस्पून ऑयल डाल दें, रिफाइंड। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून पचफोड़न और 2 लाल मिर्च सूखी, आप इसे अच्छी तरह से चला लें। फ्रेंड्स, यहाँ मैं पचफोड़न डाली हूँ, अगर आपके पास पचफोड़न नहीं है तो आप पचफोड़न के जगह में कलौंजी या सफ़ेद जीरा भी डाल सकते हैं। फोड़न से अच्छे खुशबू आने लगे हैं, अब आप इसमें डाल देंगे, और अब आप इसमें डालें 2 टेबलस्पून ग्रेटेड जिंजर, अनुसार आप इसमें नमक डाल दें, 1/2 टीस्पून हल्दी और 3 टेबलस्पून किशमिश, इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब आप इसे ढाँप कर मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पकने दें। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टमाटर तकरीबन गल चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, इसे आप मिला लें अच्छी तरह से पानी को, और अब आप इसमें डालें खजूर डेट्स, ये मिला लें और इसे आप ढाँप कर मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक और पकाएं। बिल्कुल पक चुका है और खजूर के साथ ये अच्छे तरह से मिक्स भी हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे गुड़। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 1 कप गुड़ डाली हूँ, आप गुड़ जो है अपने स्वाद अनुसार डालें, आपको अगर ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप गुड़ ज़्यादा डालें और अगर आपको कम मीठा चाहिए तो आप गुड़ कम डालें, आप इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें अमावट आम पापड़, इसे भी आप अच्छी तरह से मिला लें और अब इसे ढाँप दें और अब बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे आप इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अब आप फ्लेम ऑफ करते हैं और 1 टेबलस्पून पचफोड़न, रोस्टेड पचफोड़न के पाउडर मैं डाल रही हूँ। मैं 1 टेबलस्पून रोस्टेड पचफोड़न का पाउडर डाली हूँ क्योंकि मैं इसे पचफोड़न से बनाई हूँ, तो अगर आप पचफोड़न के जगह पे सफ़ेद ज़ीरा और नहीं तो कलौंजी डाले हैं तो आप रोस्टेड क्यूमन पाउडर 1 टेबलस्पून डालें। टमाटर और डेट्स की मीठी चटनी तैयार है। फ्रेंड्स, आप ये चटनी को बनाकर काफ़ी दिनों तक फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग सेलीज़ किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर रेसिपी मिल सके। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।